हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम छठ पूजा का कवर करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ छठ पूजा जो है वो हर साल होती है, तो इस साल भी हमारे यहाँ छठ पूजा होने वाली है। और छठ पूजा का आज पहला अर्घ का दिन है, तो आज के दिन हम सुबह सुबह उठे हैं और जाएंगे मार्केट में कुछ पूजा पाठ का सामान लाने के लिए। दोस्तों, हमारी साइकिल जो है वो खड़ी खड़ी, इसके हवा ही निकल गया है पूरा। अभी जाएंगे मार्केट में, इसमें हवा डलवाएंगे, उसके बाद सामान वगैरह खरीदेंगे। और मैं अभी सुबह सुबह पैदल इसलिए निकला हूँ ताकि थोड़ा सा यार कार्डियो एक्सरसाइज हो जाए। देखो यार, आज मार्केट में कितना जाम है। आज के दिन पूरा मार्केट में जाम रहता है, बहुत ज़्यादा, पूरा भीड़ भाड़। अभी कैसे कैसे निकले हैं जाम से बाहर, पैदल यात्री हैं। तब बाइक से होते तो हालत ख़राब हो जाता यहाँ से निकलने में। यार मार्केट में आज इतना भीड़ है कि वीडियो शूट करने में बन ही नहीं रहा है। वो अभी अपना मूली वगैरह तो लिया गया है और कुछ कुछ और सामान लेना है, अभी गन्ना लेना है, वो सब ले करके फिर निकलेंगे यहाँ से घर की तरफ। सामान तो हमने लगभग सब कुछ खरीद ही लिया है, लेकिन साइकिल का हवा निकल गया फिर से यार, इसमें दोबारा से इसको रिपेयर कराते हैं और फिर निकलते हैं। घर के लिए निकल रहे हैं, घर से अब शाम को यहाँ से गंगा जी के घाट के तरफ, गंगा नदी जो है वहाँ पे घाट पे हम सभी लोग जाते हैं पहला अर्घ दिलवाने के लिए शाम का। और सुबह में 4-5 बजे भोर में हम लोग निकलते हैं वही घाट पे ही दूसरा अर्घ, सुबह का अर्घ जो होता है उसको दिलवाने के लिए। दोपहर के 12 बज गए हैं गाइस और भूख बहुत जोर के लग गई है यार। घर पहुंच के सबसे पहले कुछ खाते हैं, फिर थोड़ा सा आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, फिर शाम को निकलना है पहला अर्घ दिलवाने के लिए गंगा नदी के घाट पर। घर पहुँच गया हूँ गाइस, भूख बहुत जोर की लगी है यार, चलो चलो कुछ खा लेते हैं। आज के खाने में है चावल दाल और चोखा। घाट पर चलने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार है, अब निकल रहे हैं घाट की तरफ और दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा। तो हम लोग घाट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। घाट की तरफ आगे जाने में बीच में हमें नेशनल हाईवे 19 मिलता है, इसको क्रॉस करके हम घाट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। NH-19 तो ई रिक्शा भी आ रहा है इस तरफ, और ये 2 किलोमीटर का रास्ता होता है, हम लोग हर साल पैदल ही इसको कवर करते हैं। फाइनली यहाँ पे हम घाट पर चले आए हैं और यहाँ घाट पे आने के बाद यहाँ का रौनक देखे यार, मजा ही आ गया यार। ये देखो यहाँ का गंगा नदी, गजब का दृश्य है यार, यहाँ का गजब का नज़ारा आ रहा है यार। यहाँ पे शाम का अर्घ देने के लिए कितने लोग इकट्ठा हुए हैं, पूरा एकदम भीड़ लगा हुआ है, पूरा घाट एकदम भीड़ से भरा हुआ है। पहले यहाँ पे ये जो पुल है ये पुल नहीं हुआ करती थी, अभी नया में एक यहाँ पे आड़ा छपड़ा पुल का निर्माण हुआ है, जिसकी वजह से
उस तरफ जाने वालों को काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई है यार। इस बार हम लोग काफ़ी ज़्यादा पहले यहाँ घाट पे आ चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी इकट्ठी हुई है। ये सारे लोग छठ व्रत करने के लिए शाम का अर्घ देने के लिए यहाँ घाट पे आए हुए हैं और शाम का अर्घ देने के बाद सारे लोग वापस अपने अपने घर जाएंगे और फिर जो लोग दूर से आते हैं वो रात में यहीं पे रुकते हैं और सुबह का अर्घ दे करके यहाँ से फाइनल अपने घर के लिए निकलते हैं। लेकिन हम लोगों का घर यहाँ पे 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है तो हम लोग वापस चले जाएंगे और फिर कल सुबह मॉर्निंग में 4 या 5 बजे के करीब उगते हुए सूरज का अर्घ देने के लिए यहाँ पे आएंगे। अभी हम यहाँ पे पानी में उतर गए हैं थोड़ा सा मस्ती करने के लिए और यहाँ पे मस्ती करते करते वीडियो बन रहा है, ब्लॉग शूट हो रहा है। यहाँ पे मेरी मम्मी अर्घ देते हुए शाम का अर्घ दे रही है। देखो प्रांसी, नानी तुम्हारी अर्घ दे रही है, पूजा कर रही है। प्रांसी कैसा लग रहा है यहाँ आके बताओ, ये क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ क्या हो रहा है? प्रांसी मेला है, छठ पूजा है, छठ पूजा कैसा लग रहा है बता दो, बता दो। गाइस देख रहे हैं शाम का अर्घ दिया जा चुका है और हम लोग वापस घर की तरफ निकल चुके हैं। अब की बार घाट पे पिछले साल से भी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी यहाँ पे और यार खाली पैर आने में पैर में बहुत ज़्यादा कंकड़ चुभता है रोड पे। लेकिन रोड आस पास के जो लोग होते हैं वो रोड को क्लीन करके ही कंकड़ पत्थर काफ़ी हद तक हटा देते हैं ताकि छठ व्रतियों को चलने में परेशानी ना हो। छोटू आ जा, आओ छोटू। तो अभी हम घर पे पहुंच गए हैं और अब वेट करते हैं उन लोगों के आने का, वो लोग अभी रास्ते में ही है, हम लोग पहले पहुंच गए घर पे। इसको हमारे यहाँ पे कोसी कहते हैं। कोसी हम लोगों के यहाँ शाम का अर्घ होने के बाद घर से बिठाया जाता है, जिसको जितना पैसा होता है उसके हिसाब से कोई एक बिठाता है, कोई पांच बिठाता है, तो हम लोग एक कोसी बिठाए हुए हैं और इसमें हाथी का स्ट्रक्चर होता है जिसका पूजा किया जाता है शाम को हमारे यहाँ पे। फ्रांसी क्या कर रही हो तुम, पूजा कर रही हो? अच्छा पूजा करो तुम, हम भी यहाँ पर हुमात कर लेते हैं। हुमात कर ली फ्रांसी, हुमात कर ली तुम? रहने दो, डाल देते हैं।